मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विनम्रता का भाव ये हर एक क्रिस्ती के जीवन में होना जरूरी है और यही प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमें सिखाते हैं। उन्होंने स्वयं विनम्रता के मार्ग पर चलकर ईश्वरीय राज्य का प्रचार करने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य होने के नाते हमें भी इस विनम्रता के भाव पर चलने के लिए प्रभु प्रेरित करते हैं। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह ज़रूर बहुत ताकतवर होता है। उसकी शायद ताकत बाहर ना दिखे लेकिन आंतरिक रूप से वह बहुत शक्तिशाली होता है और इसी चीज़ की ज़रूरत आज के इस युग में हम सबों को है। जहाँ व्यक्ति अपने आत्मसंयम खोते जा रहे हैं, गलत गलत राहों पर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में विनम्रता ही एक ऐसा गुण है जो हम सबों को आंतरिक बल प्रदान करके सांसारिक चीज़ों की बुराइयों से दूर कर सकता है और एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। आज हम लोग विनम्रता की मूरत माता मरियम का उदाहरण सुनते हैं। आज हम लोग प्रभु के दूत का संदेश का पर्व मनाते हैं। आज जब प्रभु का दूत माता मरियम को आकर संदेश देता है कि वह ईश्वर की माता होने वाली है, तो बड़ी विनम्रता से उस संदेश को ग्रहण करती है। वह नहीं जानती कि आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन वह प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा करती है और इसी भरोसे के सहारे वह स्वर्गदूत को कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यही विनम्रता की सबसे बड़ी निशानी माता मरियम का जीवन से हम लोग सीखते हैं। प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों में इसी भाव को बढ़ाना चाहते हैं। मत्ती का सुसमाचार 20 पद संख्या 26 में हम प्रभु के मुख से शिष्यों के लिए यह संदेश सुनते हैं कि तुम में से अगर कोई बड़ा होना चाहे तो सबका सेवक बने। यही प्रभु यीशु क्रिस्त शिष्यों को शिक्षा देते हैं। तो माता मरियम ने भी अपने जीवन में इन्हीं शिक्षाओं को ग्रहण किया और यह कह बैठी कि मैं भी प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में पालन करके आगे बढ़ूंगी। और जब प्रभु ने उनके जरिए उस कुंवारेपन में उस ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया तो प्रभु का कार्य समाप्त होने पर उनकी आत्मा गा उठी। लूकास का सुसमाचार 1 पद संख्या 46 और आगे में हम माता मरियम के भजन को सुनते हैं। माता मरियम अपने पूरे दिल से प्रभु की स्तुति करते हुए कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन मेरे मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में विनम्र बनते जाते हैं उतना ही अधिक ईश्वर का आनंद हमें प्राप्त होता जाता है। तो आज माता मरियम के इस सुंदर पर्व से, इस सुंदर उदाहरण से हम एक ही बात सीख सकते हैं कि प्रभु ने हम सबों को एक विनम्र व्यक्ति बनने के लिए बुलाया है और अगर हम विनम्रता की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो इन दिनों से बढ़िया और कोई दिन नहीं है। दुख भोग के काल में हमें बताया गया कि प्रार्थना, उपवास और दयादान के कार्यों द्वारा हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं और ये तीनों ही हम नहीं कर पाएंगे अगर हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इनका पालन नहीं करते। और ईमानदारी और सच्चाई कहाँ से आएगी? जब हम अपने आप को विनम्र बनाएं, अपने आप को विनम्र बनाकर इन मूल्यों को अपने जीवन में पालन करने का प्रयत्न करें, तब हम भी माता मरियम के साथ कह सकेंगे, मैं प्रभु का दास हूँ, हे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन।